हो गया शुरू। ओके सो आज हमने, आज क्योंकि डे टू है तो आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज से शुरू करेंगे, होती क्या लैंग्वेज। हम इस सारे जो अगले दिन जितने भी हमारे गुजरेंगे 12 दिन उनके अंदर हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी चीज़ जो आप लिखते हो, ठीक है, या लिखने की कोशिश करते हो, एक तो है कि वो आपके पास आइडिया हो, ठीक है। इस तरह के आइडियाज़ वाले बहुत सारे पाकिस्तान में ब्रेन्स बैठे हुए हैं, ठीक है। किसी छोटे बंदे को भी आइडिया आ सकता है, ये कोई मसला ही कोई नहीं है। बहुत सारे लोग नीचे वाले तबके से ऊपर की तरफ गए हैं, ठीक है। आपके साथ वाले, अगर आप अपने साथ वाले बिल्कुल मुल्क में देखें जो चाइना है, तो वहाँ पर पिछले कोई 20 सालों में 800,000 पीपल जो हैं वो उन्होंने पॉवर्टी एलिविएट कर दी उनके अंदर से। तो ये किसी ने बाहर से आके नहीं करना, पहली बात, ठीक है। गरीबों के बारे में खुद ही सोचना पड़ना है, ठीक है, किसी ने बाहर से आके नहीं करना। अब इस सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि मैं अभी सारी जो मेरी नशिस्त है वो टीचर्स के साथ हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ खुद नहीं मान सकें, ठीक है, लेकिन आप इतने सारे पेशों वाले लोग उनकी तामीर कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए आपको पता होनी चाहिए सही बातें, आपको सही नॉलेज होना चाहिए। कभी भी गलत बताने से क्या फ़ायदा, ठीक है। आपको वो चीज़ बतानी चाहिए जो बच्चों के लिए कल कला फ्रूटफुल साबित हो, ठीक। तो अब हम चलते हैं लैंग्वेज के ऊपर। लैंग्वेज क्या है जी? लैंग्वेज कोई भी मेथड है कि ये जो बातें, जो आपको आइडिया आया, आपने उसको किस तरह कम्युनिकेट करना है, ठीक है। वो स्पोकन में भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है, दोनों तरह से लैंग्वेज जो है वो पढ़ी जाती है, ठीक है। विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ द यूज़ ऑफ वर्ड्स इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, ठीक है। एक स्ट्रक्चर्ड वे में जब आप कुछ भी बोलते हो या कुछ भी लिखते हो, तो अगर वो कोई चीज़ आपका पैगाम किसी और तक कम्युनिकेट कर देती है, वो वाली बात, दैट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज, ठीक है। वो बोल के भी हो सकती है और लिख के भी हो सकती है। तो ये जो क्लास है स्पेसिफिकली 95% लिखना एक स्टूडेंट की लाइफ के अंदर, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जैसे एक खस्ता हाल मुल्क के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती है कि हमें कभी भी राइटिंग के बारे में बहुत अच्छी तरह सिखाया नहीं जाता, ठीक है। तो हम फुली स्ट्रेस करेंगे, ठीक है, अपने पास से कुछ भी नया प्रोड्यूस करना और उसको फिर रिप्रोड्यूस करना, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ के उनसे कुछ अखज करके अपने पास से लिख सकना, दैट इज़ कॉल्ड राइटिंग, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल है जब हम हमें कम अज़ कम इस चीज़ पे ज़रूर ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती, हम कोई बाहर वाले मुल्क में नहीं बैठे हुए, ठीक है। ये जो जितना भी बरेसगीर का हिस्सा है, अगर हम जब तक यहाँ पे हैं ना, यहाँ पे यही चीज़ बंदे को स्टेटस अपग्रेड करने में कारमन साबित होती है, ठीक है। तो एवरी जिस तरह हर लैंग्वेज के अपने अपने यूनिट्स होते हैं, तो थोड़ा देखते हैं कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इंग्लिश राइटिंग के। ओके, तो इंग्लिश राइटिंग के कुछ इस तरह से कंपोनेंट्स हैं। इस तरह एक सेल होता है, सेल से मिलकर टिश्यू बनता है। अगर आप लोगों में से कोई बंदा बायोलॉजी कभी पढ़ी हो या जनरल साइंस भी अगर 9th-10th की पढ़ी हो, तो उसके अंदर भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं ना, तो बिल्कुल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश राइटिंग के अंदर वो ये है कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स जब मिलते हैं तो वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स मिलते हैं तो फ्रेजेस बनती हैं, फ्रेजेस मिलती हैं तो क्लॉजेस बनती हैं, ठीक है। और क्लॉजेस मिलते हैं, क्लॉजेस मिलते हैं तो फिर सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं रोक देता हूँ, अभी मैं कुछ बातें, जब ये हमारा असल टॉपिक क्या है एस, ठीक है, पूरे सेशन का असल टॉक्स क्या है एस, लेकिन मैं इसको यहाँ पे ये समझता हूँ हमारे ऐसे का असल क्रॉक्स सिर्फ एक सेंटेंस है। मैं आपको इस पूरे सेशन के अंदर जो कि 12 दिनों में चलेगा एक सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा, उसके बाद आप लोग, मुझे पता है कि वही सेंटेंसेस जुड़ जुड़ के अगर वो स्ट्रक्चर्ड वे में जुड़ जाएं, जो उसके लवाजमात हैं सारे पूरे हो जाएं, जो रिकमेंडेड स्ट्रक्चर है वो अगर आप फुलफिल कर लेते हो वो सारी चीज़ें, तो आप पूरा ऐसे लिखना वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 150 से लेके 230 तक सेंटेंसेस होते हैं, जो एक लिख सकता है वो 150 नहीं लिख सकता, 150 सेंटेंसेस।
सही, तो ये सब कुछ आप लोग उर्दू में भी इसी तरह, ये अगर आप उर्दू में भी चीज़ें, मैं आपको ये बता दूँ कि उर्दू में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उर्दू एक लश्करी ज़ुबान है, लश्करी समझते हैं, बहुत सारी ज़बानों का मजमूआ, तो वो इंग्लिश से बहुत सारी चीज़ें गैप कर लेती हैं। आपने अगर बात को स्ट्रक्चर्ड वे में कहना है, कोई भी आपने अपना पैगाम या कोई अपना आर्टिकल या कोई अपनी खबर लगवानी है, तो आप उसको कोशिश करेंगे ना कि बहुत अच्छे अंदाज में अगले बंदे तक पहुँचे, ताकि अगले बंदे को समझ आ जाए। तो अगर ये वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको बिल्ड हो जाता है कि आपने सेंटेंस क्या है, एक सेंटेंस होता क्या है और वो कितनी तरह से आपके सामने आ सकता है, आपको अगर वो पता लग जाए कि वो 20 टाइप्स कौन कौन सी हैं सेंटेंस को लिखने के लिए, तो वो मेरा ख्याल है आपके एसे को बनाने के लिए फिर बहुत अच्छी, बहुत बहुत फ्रूटफुल साबित हो सकती है, और ये मुश्किल कुछ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। सेंटेंसेस के साथ मिला के पैराग्राफ्स बनते हैं, और डिफरेंट तरह के पैराग्राफ्स जब मिलते हैं तो वो ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? ओके, सो अल्फ़ाबेट्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स टू रिफ्लेक्ट सम स्पेसिफिक साउंड ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स क्या हैं? जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स क्योंकि हर लैंग्वेज के होते हैं, ये पाकिस्तान लिखा हुआ, ये भी पाकिस्तानी लिखा हुआ, ये इंडिया ने लिखा हुआ, ठीक है, दोनों चीज़ें पाकिस्तानी लिखी हुई हैं, लेकिन देखें अब उनका कंस्ट्रक्ट चेक करें, कितने हिज्जे उन्होंने मिलाए हैं तो फिर जाके एक अल्फ़ाबेट बना है, और हर एक का अपना अपना। तो इसी तरह जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर दो तरह के अल्फ़ाबेट्स यूजली आते हैं, मैं ऊपर ऊपर से बस गुजार रहा हूँ, कॉन्सोनेंट्स होते हैं और वोवल्स होते हैं, वोवल्स पाँच होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, उसके अलावा जितने भी होंगे कॉन्सोनेंट होंगे। उसके बाद क्या आ जाते हैं? तो वर्ड्स क्या होते हैं जी? अ सिंगल डिस्टिंक्ट मीनिंगफुल एलिमेंट ऑफ स्पीच और राइटिंग। आप कोई भी वर्ड, कोई भी चीज जो मीनिंगफुल हो, कोई भी एक लफ्ज जो क्या हो, मीनिंगफुल हो, ठीक है, जो मीनिंगफुल हो, तो उसको क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे यूज्ड विद अदर्स और समटाइम्स अलोन। हाँ, ये भी हो सकता है कई दफा वो अकेला यूज हो, जिस तरह अप अकेला भी यूज हो जाता है, अपग्रेड भी, अप स्ट्रोक भी, तो इस तरह भी एक वर्ड बन सकता है, कॉम्बिनेशन भी, कॉम्बो भी बन सकता है, ठीक है, उसको कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। तो आगे चलते हैं इसका, अगर हम देखें वर्ड्स कितनी तरह के होते हैं वो हमें पता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, मतलब कितने के वर्ड्स हो जाएंगे, जो सारी साइडें हैं एक सेंटेंस की, वही स्प्लिट अगर आप करें ना एक तरह से, वही ये चीज़ें बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इनमें से वो सीधा सीधा बातें पढ़ेंगे जो पढ़ने वाली हैं, वरना हम उसको स्किप करते रहेंगे। तो हम ये आपको नाम तो याद है, नाम आपको याद रहने चाहिए, ये वाले नाम याद हैं ना, मैं एक दफा बोल देता हूँ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, उसके बाद प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजंक्शन, ठीक। ओके, अब हम देखते हैं नाउन। नाउन कौन कौन से होते हैं? कॉमन होते हैं, प्रॉपर होते हैं, कलेक्टिव होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, मटीरियल होते हैं। अब मैं इनमें किसी में भी अंदर नहीं जा रहा, ठीक है, आप लोगों को खुद पता होना चाहिए, इतनी सी बातें, मेरा ख्याल है, मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता है, तो इससे इसलिए आगे जा रहा हूँ। ओके, टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन, ये भी चीज़ आपको कॉन्सेप्ट, ये भी क्लियर होना चाहिए, मैं इनमें से कोई भी चीज़ नहीं कह रहा, लेकिन ये आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आगे यूज़ होनी है, जब आप सेंटेंस पे पहुंचोगे ना, असल चीज़ है आपने सेंटेंस को पढ़ना है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन, ठीक है, उनमें अगर आप देखें तो कॉमन भी होते हैं और दूसरी तरफ कौन सा कॉमन के साथ क्या होता है? ऑपोजिट प्रॉपर होता है, ठीक है, तो प्रॉपर यहाँ से मिसिंग हो गया, मेरा ख्याल है माइनस उसको बैक स्पेस बच गई है। ओके, तो कॉमन नाउन में फिर सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, कॉमन नाउन भी तो दोनों तरह हो सकता है, ठीक है, काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। अब बॉय जिस तरह के काउंटेबल में आ जाएगा, लाइट, अब लाइट कितनी है ये तो कोई पता नहीं, ये तो अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। द वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो आपने बार बार एक ही वर्ड तो नहीं ना, पीछे मैंने लिख दिया मुनज़्ज़म, तो अब मैं बार बार मुनज़्ज़म तो नहीं ना करता जाऊँगा सारे ऐसे के अंदर, मैं क्या करूँगा, शी, ही, जो भी आपने यूज़ करना है, दे, ठीक है, या उसके दूसरी साइड पर जाऊँगा। अब जिस तरह ये वाले सारे वर्ड्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे में इजाज़त नहीं होती पर्सनल नाउन के लिए, जो चीज़ें अस, ठीक है, उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो पोजेसिव तौर पर। तो ये हम देख लेते हैं किस तरह है। पर्सनल में अगर देखें तो पर्सनल में आई, ये बिल्कुल ये नहीं कर सकते, पर्सनल वाले बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है। आप ये वाले नाउन जो हैं
वो नहीं कर सकते। पर्सनल क्या है जी, आई ही शी दे इट इज़ी, ठीक है, ये आपको बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, ये आप नहीं बीच में यूज करें। इनडेफिनेट, इनडेफिनेट आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से यूज हो जाते हैं। कौन कौन से हैं, मैं एक बार बोल देता हूँ, एवरी वन, ऑल, सम, एनी थिंग, नो बडी, इट इज़ी। इसी तरह रिलेटिव है, रिलेटिव में जब आप किसी भी चीज की तरफ, वो जिसकी मैं पीछे बात कर चुकी हूँ, अली, जो के, ठीक है, जो के लिए, जिस तरह हु, विच, होम, दैट, इट इज, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव आ जाते हैं, कि किसी की तरफ इशारा, पॉइंट कर रहे हो, दिस, दिस चेयर, दैट टेबल, ठीक है, तो इसी तरह दैट, दिस, दीज, दोज, ये चीजें जो हैं इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव करेंगे। इसी तरह इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव जिसके अंदर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, वो कौन कौन से हो जाएंगे, व्हेन, व्हाई, वेयर, फोर, फोर डब्ल्यू जो है वो यहाँ पे अप्लाई करें, फोर डब्ल्यू और साथ एच, फोर डब्ल्यू एच भी होता है, ई टी सी उसने लगा दिया ना, तो इसमें हाउ भी आना था, इसी तरह हाउ भी आ सकता है। तो ये हो गए इन्वेस्टिगेटिव, इंटरोगेटिव, ये क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो यूज होंगे वो आप इंटरोगेटिव कह देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव में हिमसेल्फ, हरसेल्फ, आरसेल्फ, ये वगैरह, तो आगे चलते हैं इसको एक और, मैं थोड़ा सा उसी चीज़ को दोबारा थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दिया है। अब अगर आप इसको अपने माइंड में रखें ना, तो ये आपको क्लियर रह सकता है। इसको देखें, ये बहुत आसान करके यहाँ पे समझाएं, जब भी आप सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करोगे, सब्जेक्ट के तौर पे, सब्जेक्ट कहाँ पे होता है, फिक्रे में, शुरू में, जब भी आप शुरू के लिए यूज़ करोगे, तब आप क्या यूज़ करते हो, सब्जेक्टिव क्वालिफाइड, ठीक है। उसको फर्स्ट पर्सन में अगर यूज़ करोगे तो किस तरह करोगे, आई हुई। अगर उसको सेकंड पर्सन में करोगे, सेकंड में यू ही रहता है, ठीक है, दूसरा बंदा यू ही रहता है। थर्ड में अगर देखोगे, ही, शी, इट और दे, ठीक है। इसी तरह अगर आप आ जाओ पोजेशन में, आप पोजेशन शो कर रहे हो, भाई ये मेरी मलकियत है, माइन बुक, जिहाज, कैलकुलेटर, सही, समझ आ गई। तो ये यहाँ पे पोजेसिव में अगर आप देखें, माइन आ गया, आर आ गया, योर आ गया, हिज, हर, इट्स, देयर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं, एक ना एक दफ़ा आप इनमें से गुजरे ज़रूर हुए हो, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्टिव वाली साइड से अगर आप यूज़ करोगे, तो वहाँ पे आप कौन से यूज़ कर सकते हो, मी, ठीक है, और ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं पैसिव, पैसिव वाइज जब आप लोग बनाते हो ना, तब आप ये वहाँ पे यूज़ होते हैं। ये सारी चीज़ें आगे वाले लेक्चर्स के साथ हल्के हल्के लिंक्ड हैं। फंक्शन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप जो है इसको इस तरह से लिखते हो, फॉर एग्जांपल, अब मैंने ये तीन सेंटेंसेस सेम ही तरह से लिखे हुए हैं, पाकिस्तान इज माय कंट्री फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे एक मिसिंग रह गई, ठीक है, पाकिस्तान इज माय कंट्री, ठीक है, यहाँ पे इतनी बात एक क्लॉज थी, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज थी। अगर आप देखें, पाकिस्तान इज अ कंट्री, ये अपना मीनिंग पूरा बता रही है, सिर्फ इतना ही, अगर फिक्रा इतना ही रहने देते हैं, मीनिंग बता रही है। तो अब देखें, अब इसको छोड़ दें, दूसरी वाली को देखें, तो ये मैं सिर्फ आपको ये समझाने की अभी कोशिश कर रहा हूँ, अभी ये नहीं पढ़ा रहा कि इंडिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट क्या, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ अपना मीनिंग बता रही हो ना, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, के बगैर बाकी चीज़ को एक्सक्लूड करके फिर भी उसका मीनिंग पता लग रहा, ठीक है, जब आपको इस तरह पता लग गया तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगी। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे, अब मैं आपको एक और बात, मजे की बात बताता हूँ, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसमें एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, तो इसमें तीनों चीज़ें होती हैं, समझ आ गई मेरी बात, कि क्लॉज में क्या होता है, तीनों चीज़ें होती हैं, लेकिन तीनों की तीनों चीज़ें अपना मीनिंग पूरी तरह बयान नहीं कर पाती, ठीक है, और इसको कनेक्ट करने के लिए हम इनके दरमियान में कोई ना कोई वर्ड्स यूज़ करते हैं, या वर्ड्स यूज़ करते हैं, या हम कुछ और तरीके भी हैं इनको कनेक्ट करने के लिए, वो चाहे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी आपस में इकट्ठी हो सकती हैं, डिपेंडेंट भी पहले आ सकती है, इंडिपेंडेंट भी पहले आ सकती है, इंडिपेंडेंट बाद में भी आ सकती है, और डिपेंडेंट पहले भी आ सकती है, हर तरह से बात की जा सकती है। लेकिन अब ये वाली चले मैं छोड़ता हूँ, मैंने क्या कहा था कि क्लॉज की क्या होनी चाहिए, उसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, तो अब ये सिर्फ ये वाली जो ब्लू वाली है, इसको ज़रा देखें, फेसिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है, मैनी प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो इसमें सब्जेक्ट की तरह, वेयर इज सब्जेक्ट, रिलेटिव,
रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हो, आप वहां पे यूज करो, आपका क्लॉज ही नहीं पूरा हो रहा। अब ये जो सेंटेंस था ये पहले वाला, ये गलत है। सही, तो सही सेंटेंस इसको किस तरह कर सकते हैं? वैसे हु जो है ज्यादातर जानदार चीजों के लिए, मैं आगे चल के बताऊंगा कि ये पांच छह चीजें हों तो तब हु लगाते हैं, ये पांच छह चीजें हों तब डैड लगाते हैं। इतनी सी कहानी है वो, मतलब बाद में बहुत ज्यादा हम लोगों ने उस चीज में नहीं घुसना, आप लोगों ने जस्ट उसको एक दफा रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करनी। ठीक, तो अभी हम तीसरा भी फिक्र पढ़ लेते हैं। इसमें क्या उसने किया है, डैड लगाया। ओके, यहां फिर वो कहता है इनकरेक्ट है, हु नहीं यहां पे लग सकता, जबकि पाकिस्तान जानदार, पाकिस्तान जानदार नहीं है ना, तो फिर डैड लगेगा। तो यहां पे हम अपना खत्म करते हैं।